हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिट्रेगोर रूल्स के बारे में पढ़ लिया था, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ डिट्रेगोर रूल ताकि आपको और समझ में आ जाए। ड्रेगोज रूल के बारे में पढ़ा था। अब देखो ड्रेगोज रूल के हिसाब से क्या होता है बच्चों, यहां तक हमने पढ़ लिया था ड्रेगो रूल के हिसाब से क्या होता था बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। मतलब आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करता था, आपको कौन सा ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करता था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल वो ओवरलैप करता था, लेकिन जो आपके क्या था बच्चों, देखो ध्यान से समझना। यहां मैंने 15 पीरियड का एलिमेंट लिख दिया, 15 पीरियड और 16 पीरियड का, ठीक है, 16 पीरियड का एलिमेंट लिख रहा हूं विद हाइड्राइड, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया NH3, PH3, ASH3, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर कौन सा, यहां पर SBH3, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर H2O, H2S, H2SE, H2SE, H2TE, ये मैंने लिख दिया आपका एलिमेंट, समझ सकते हो 15 पीरियड का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसी तरीके 16 पीरियड का भी आप लोग समझ सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है। इस तरीके से मैंने एलिमेंट लिख दिया। अब मुझे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री अप्रोक्सीमेट, और इसका अप्रोक्सीमेट होता है 104 डिग्री, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि इन सब का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कमी होगा, ठीक है, कमी होगा, मतलब छोटा सा वेरिएशन इन दोनों के बीच में, एक स्मॉल सा वेरिएशन दिखेगा। इसका भी अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री को चला जाता है, मतलब ले देखे मैं इसको बोल सकता हूं 93 डिग्री, इसका 92, इसका 91। इसी तरीके से यहां पर बॉन्ड एंगल का मतलब ऐसा होता है, बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री का अप्रोक्स चला जाता है। अब आप देखोगे कि 107 से सडन फॉल हुआ, यहां से 107 से सडन फॉल हुआ किसका, यहां पर 107 से सडन फॉल हुआ आपके बॉन्ड एंगल का। इसी बॉन्ड एंगल को मतलब यहां पर लिख सकते हैं सडन फॉल ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, सडन फॉल ऑफ बॉन्ड एंगल कांट एक्सप्लेन बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हमने इसको किससे एक्सप्लेन किया था, we will explain this sudden fall of bond angle by overlapping of atomic orbital, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमने इसको बताया था, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को हमने यहां पर समझाया कि ड्रेगो रूल ने आपको क्या बताया कि यहां पर, ध्यान से समझना एक और बार, यहां पर आपका देखो यहां पर क्या हुआ एक्चुअली में, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, एक और बार एग्जांपल लेता हूं, H2S का ले लेता हूं एज एग्जांपल, मैंने पहले लिया था PH3 का, H2S का लेता हूं, ठीक है। अब सेंट्रल एटम आपका कौन सा होगा, सेंट्रल एटम हो गया बच्चों यहां पर सल्फर, ठीक है, सेंट्रल एटम आपका कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। अब सल्फर का क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p, बोलो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p4, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आपका ऑर्बिटल आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैंने यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कराया, देखो यहां पर अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो क्या होगा, यहां पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, देखो मुझको कितने कितने यहां पर है, यहां पर दो एच है, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से चलूं, तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ये सारे एटॉमिक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड होंगे, हाइब्रिड होके चार चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनका एंगल 109 डिग्री 78 मिनट पे सिचुएटेड होगा, लेकिन दो दो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, मतलब ये आपका इस तरीके से सिचुएटेड होगा, ये आपका इस तरीके से होगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा यहां पर बच्चों, यहां पर आपका दो लोन पेयर, ठीक है, इस तरीके से हो गया। लेकिन यहां पर 109 डिग्री एंगल आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट एंगल में बताता हूं, लोन पेयर रिपल्शन एक्ट करेगा, यहां पर लोन पेयर और बोन पेयर, ये आपका बोन पेयर बनेगा, लोन पेयर रिपल्शन एक्ट करेगा और यहां पर लोन पेयर बोन पेयर, जहां पर ओवरलैपिंग ऑफ अदर एटम होता है वो आपका बोन पेयर बनाएगा। तो इसके बीच यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका लोन पेयर रिपल्शन भी एक्ट करेगा, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन भी एक्ट करेगा, लेकिन इतना थोड़ी ना एक्ट करेगा जो इसके एंगल को तुरंत कितना बना देगा, ये एंगल आपका 109 डिग्री 78 मिनट सीधा आपका 90 डिग्री के अप्रोक्स थोड़ी ना चला जाएगा बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करूं, तो यहां पर आपका अप्रोक्सीमेट 10 यहां पर आप बोल सकते हो कि 101 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री सडन फॉल बहुत ज्यादा इन दोनों में वेरिएशन है, इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होने की वजह से क्या किया ड्रैगोस ने, ड्रैगोस ने आपको यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कराया डायरेक्टली, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कराया उसने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये उस यहां पर इस तरीके से हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ये हमारा गलत मेथड है, ठीक है। यहां पर बोला गया कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल आर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ओवरलैप होगा। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मैं बनाता हूं, समझना बात को ध्यान से कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होगा। तो अगर मैंने यहां पर देखो ये px, ये py और ये pz, देखो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनाना है, ना कि मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। ये तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ये तो सारे कौन से ऑर्बिटल थे बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल। मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाना, मुझे ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है। अब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बनाऊंगा, देखो ये मैंने बना दिया, इसका दूसरा लोब में बाद दूसरा लोब समझने के लिए बना देता हूं, फिर भी ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा px वाला है, ठीक है बच्चों, काफी इजी है। इसी तरीके से मैं एक और बनाता रहता हूं, ये मेरा यहां पर कौन सा हो गया py वाला, ठीक है, और यहां पर ये मेरा कौन सा हो गया pz वाला। देखो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने जैसा बोला था px, py, pz, तीनों आपस में 90 डिग्री पे सिचुएटेड होंगे, तो ये 90 डिग्री पे सिचुएटेड है, और ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, तो ये s ऑर्बिटल, यहां पर आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां पर आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां पर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से डायरेक्टली ओवरलैप करेगा, जो कि आपके बॉन्ड एंगल को अप्रोक्सीमेट कहां पहुंचा देगा, 90 डिग्री पे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास पहले आया, हाइब्रिडाइजेशन हमारा बाद में आया। सबसे पहले क्या आया बच्चों, बॉन्ड एंगल आया, उसके बाद हमारा क्या आया बच्चों, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ा इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको कंसेप्ट को डील करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम यहां पर कंसेप्ट को डील कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक और यहां पर एक और टॉपिक्स पे। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल,
बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका समझते हैं, जो कि आपका काफी इजी है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन पे लेकर आता हूं, वो टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पर आपको निकालना है टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। आपको क्या निकालना है? टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहां पर आपको टाइप ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, समझना। एक क्वेश्चन है, आपको टाइप ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है, मतलब किसमें निकालना है? पहला, ध्यान से समझना, PO4 3 माइनस। किस पर? PO4 3 माइनस पर निकालना है आपको टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और एक आपको निकालना है यहां पर सेकेंड, CO3 2 माइनस पे। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है आपको किसमें निकालना है? CO2 पे निकालना है, ठीक है। इन सब पे आपको टाइप ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो, ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक ही बताता हूं, तो ये ट्रिक से ही आप जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो, ठीक है। ट्रिक से हम करेंगे, तो देखते बच्चों, PO4 3 माइनस, ठीक है। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, कैसे निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बताओ बच्चों। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकालेंगे, जल्दी बताओ, काफी इजी है। इसका हाइब्रिडाइजेशन समझना बच्चों, यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हाफ इंटू वी एम सी ए, ऐसा मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, किससे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वो एड करके। तो मैं दूसरे मेथड का यूज करता हूं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए कि किससे निकालेंगे। तो देख लेते बच्चों यहां पर दूसरा मेथड, ठीक है। तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितना होगा? फॉस्फोरस का कितना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का 6 और 3 इनकमिंग, तो 3 टोटल निकालो, कितना हुआ बच्चों? 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। अब यहां पर 24, 8 में अगर मैं 24 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 32, ठीक है। अब मैं अगर बोलना चाहूंगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8, तो यहां पर 32 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा, जो कि आपके लिए काफी इजी है, इसका आ जाएगा 4। और आपके रिमाइंडर में कितना बचेगा बच्चों? 0। रिमाइंडर में कितना बचेगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 लोन पेयर है और 4 बोन पेयर है, ठीक है। 4 बोन पेयर है, मतलब आप समझ सकते हो कि 0 लोन पेयर है और 4 बोन पेयर है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, मतलब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो 4 बोन पेयर तो मैंने ऐसे बना दिए, देखो सिंपली, ठीक है। लेकिन आप लोग देख लो कि यहां पर 3 माइनस है, तो ये 3 ऑक्सीजन तो माइनस के साथ बैलेंस हो गए, लेकिन यहां पर आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक है, जिस पर आपका माइनस चार्ज का होगा वहां पर तो ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, जहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, और बाकी अगर माइनस चार्ज नहीं हुआ तो ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ होगा। बात क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसके हिसाब से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3, ठीक है, sp3 होगा। तो समझते हैं sp3 में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, s p px py pz। अब देखो यहां पर कितने बॉन्ड है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा, एक px ने, एक आपके py ने, एक आपके pz ने, और एक आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल होगा। 5 बॉन्ड है तो 5 मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, ऑक्सीजन का हमेशा कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों? p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का हमेशा कौन सा वैकेंट कौन से ऑर्बिटल में होगा? p ऑर्बिटल में। तो मुझे ये वाले बॉन्ड के बारे में बताना है कि इसमें ये पाई है, ये सिग्मा है, ठीक है, मुझे पाई बॉन्ड के बारे में बताना है। तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होता है बच्चों? पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, मतलब वैकेंट तो नहीं, पी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट, पी ऑर्बिटल।
तो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, अब समझना यहां पर ऑक्सीजन ने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यहां पर ऑक्सीजन ने पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यहां पर भी एक बॉन्ड सिग्मा बना लिया। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये आपके प्राइमरी होंगे, प्राइमरी आपके हमेशा आपका प्राइमरी टाइप में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, ठीक है। मैंने जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने मैंने ऑर्बिटल लिख लिए, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या तो बोलो कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ऑर्बिटल लिख लो, या तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से ऑर्बिटल जमा लो। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 ऑर्बिटल लिख दिए। अब ये वाले बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से ही ओवरलैप वो हुआ होगा, तो इसमें फास्फोरस का डी और इसमें ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप आपका हुआ होगा, और इन दोनों के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना होगा, पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग। तो थोड़ा इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, एक दो बार समझोगे तो आपको आई होप कि 100% समझ में आ जाएगा, कोशिश करो समझ में आ जाएगा। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतने आप मतलब इसमें ऑर्बिटल बना लो, ताकि आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन सोल्व आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा हमारा, ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है बच्चों यहां पर कि CO3 2 माइनस, ठीक है, CO3 2 माइनस। अब देखो CO3 2 माइनस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें मुझे निकालना है, काफी इजी है। देखो फिर से वही करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कार्बन में कितना होगा, कार्बन में 4, कार्बन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 4 होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन 6, और यहां पर -2 का मतलब +2, टोटल कैलकुलेट करो 18 + 6 = 24, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 करना होता था आगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर 24 डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 और 0, रिमाइंडर तो 0 बचेगा, मतलब 0 लोन पेयर है और 3 बोन पेयर है, ठीक है। अब देखो 3 बोन पेयर मतलब इस तरीके से ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो 2 माइनस है तो यहां पर तो ये बैलेंस, ठीक है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहां से। अब देखो एक ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, इसलिए डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, सिंपली बात है। अब जिस पर माइनस चार्ज है वो तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ हो सकता है, जितना ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा उतना वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझो, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड पाई और ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ठीक है। अब मेरे पास पाई बॉन्ड का टाइप बताना है। अब देखो ऑक्सीजन के यहां पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, sp x py, इस तरीके के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, 4 वैलेंस शेल, तो 4 ऑर्बिटल बना लो, sp x py pz, मतलब यहां पर p का कोई भी हो सकता है, तो p का मैं हटा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से बना दिया मैंने 4 ऑर्बिटल, 4 में से 3 ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हुए, मतलब ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन का ये आपका पी ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा बच्चों, पी ऑर्बिटल में। अब ये आपका पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो इसका पी ऑर्बिटल, सॉरी ध्यान से समझना, इसका पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए होंगे, और ये आपस में क्या बनाए होंगे, पी पाई बॉन्डिंग। तो यहां पर आपके कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों, पी पाई बॉन्डिंग। बात क्लियर है बच्चों, एक दो बार कोशिश करो, ज्यादा झिकझिक नहीं है इसमें, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार कोशिश करोगे तो आई होप कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल और नेचुरल कंसेप्ट से, ठीक है, कोई ज्यादा इतना रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अब हम एक एक करके। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, CO2 में आपको बताना है, देखो अभी आपको CO2 में बताना है, और भी मैं एग्जांपल लूंगा बच्चों, इसकी चिंता मत करो, इसका मैं और भी एग्जांपल लूंगा। देखो
पहले तो इन सब एग्जांपल को समझ लेते हैं, ठीक है। CO2, अब देखो CO2 के लिए क्या होगा, सबसे पहले मैंने CO2, CO2 में मैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर कौन सा हो जाएगा बच्चों, मैंने अभी बताया था पी पाई डी पाई, ये हो चुका है सोल्व। यहां पर आपका क्या होगा, पी पाई, ये भी मैंने सोल्व कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, टी वी ई निकालो जल्दी से। कार्बन के वैलेंस शेल में चार, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो है तो छह, टोटल कितना हो गया बच्चों, 4 × 18, 4 × 12 इक्वल टू व्हाट, 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 डिवाइड बाय 2, मतलब दो आ गया जीरो लोन पेयर, मतलब दो बोन पेयर होगा और जीरो लोन पेयर होगा। अब यहां पर कोई माइनस चार्ज नहीं है तो कार्बन इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है तो डबल बॉन्ड बना दो, सिंपल, डायएटॉमिक के लिए हमेशा डबल बॉन्ड बना दो। अब इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर आपको समझना है कि यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते हो। यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, काफी इजी है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, तो देखो चार में ऑर्बिटल बना देता हूं, ये मैंने चार ऑर्बिटल बना दिए, चार में सिर्फ दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गए जो कि आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब बचे कितने, दो ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे दोनों के दोनों, और यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, पाई बॉन्ड। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन का भी पी ऑर्बिटल काम में आया, कार्बन का भी पी ऑर्बिटल काम में आया और ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कितने, दो पी पाई बॉन्डिंग आई, क्या है, दो पी पाई बॉन्डिंग। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको यहां पर पी पाई बॉन्डिंग को समझना है या फिर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड, ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स में, ठीक है। यह किसी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एग्जाम्पल पूछा था, इसलिए मैं अभी इसको करा रहा हूं बच्चों, नहीं तो कोई उतनी दिक्कत नहीं थी। आप लोग अगर कोशिश करते तो आप लोगों को आ जाता, कोई बात नहीं। एक और बार देखो, समझो, देखो यहां पर फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिया C2H2 एक्चुअली आपका होता है C2H2 एक्चुअली होता है बच्चों आपका एसिटिलीन। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया है, सिंपल यही स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था एसपी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में मैंने यही स्ट्रक्चर पढ़ाया। अब आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहां पर कि स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका सिग्मा, और ये बीच में आपका एक सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब समझना यहां पर, अब यहां पर आप लोग समझना कि देखो इसके अंदर एसपी हाइब्रिडाइजेशन था, इस कार्बन के अंदर भी एसपी है, इस कार्बन के अंदर भी एसपी है। अब मैं इसके अराउंड मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा तो 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बच्चों, चार, तो चार ऑर्बिटल इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए चार ऑर्बिटल, मतलब एस पी पी पी, ठीक है, इस ऑर्बिटल के लिए, इसके लिए भी आपके कितने होंगे, चार होंगे, एस पी पी पी। अब एसपी ऑर्बिटल तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए, देखो एसपी ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए और टू एसपी ऑर्बिटल बनाए होंगे, दो एसपी ऑर्बिटल मतलब दो सिग्मा बॉन्ड, कितने, दो सिग्मा बॉन्ड, एक इधर बना लिया। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी, इस कार्बन का भी एसपी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गया, हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। अब यहां पर 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया तो यहां पर भी कितने हो गए, दो सिग्मा हो गए, बात क्लियर है। अब बचे कौन से, pp, ठीक है। अब इसके इसके भी pp है, ये इसके pp के साथ क्या कर लेगा बच्चों, ओवरलैप कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा तो पाई बॉन्ड बना देगा। इसका मतलब यहां पर क्या है, ये जो ऊपर वाला है वो पी पाई है, वो इसी के साथ करेगा ना, और नीचे वाला क्या है बच्चों, पी पाई
तो इस तरीके से हम यहां पर पी पाई बॉन्डिंग का पता लगाते हैं। एक तो आप इसमें भी समझ लो एक मॉलिक्यूल में किस तरीके से निकालते, वैसे जनरली पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोग इस चीज को भी ध्यान से समझो, ठीक है। पी पाई बॉन्डिंग निकालना काफी इजी है, एक दो बार अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल के कंसेप्ट पे, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉन्ड एंगल के कंसेप्ट पे, तो देखते हैं बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल निकालने का कोई तरीका उतना वो वास्ट नहीं है बच्चों, काफी सिंपल है, ठीक है। बॉन्ड एंगल का तरीका अब समझो, मैंने कई बार भी आपको क्वेश्चन दिया है, तो डिटरमिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का डिटरमिनेशन हम किस तरीके से करेंगे, या फिर बॉन्ड एंगल ऑर्डर, या फिर बॉन्ड एंगल ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहला VSEPR थियरी। अब देखो VSEPR थियरी के हिसाब से हम भी बॉन्ड एंगल बनाएंगे। VSEPR थियरी हमको क्या बोलता है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, फिर आपका क्या होता है बच्चों, बोन पेयर रिपल्शन होता है। इस तरीके से आपके तीन रिपल्शन होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, लोन पेयर। तो इसके हिसाब से VSEPR थियरी के हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसके कंक्लूजन के हिसाब से कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, काफी इजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बात किया NH3 और H2O, दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा है, ये आपको निकालना है। काफी इजी कंसेप्ट है, दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा है ये आपको निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, NH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा VSEPR से वो कुछ ऐसा बनेगा, और H2O का बनाना चाहूं तो H2O का कैसा बनेगा, यहां पर दो लोन पेयर होंगे H2O में कितने, दो लोन पेयर होंगे। यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो दो लोन पेयर होंगे, ये मैंने बना दिया H2O का, ठीक है, ये मैंने H2O का बना दिया और यहां पर मैंने अमोनिया का बना दिया। अब देखो कि यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर केवल और केवल समझ सकते हो ओनली लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन विल एक्ट। यहां पर केवल और केवल लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन एक्ट कर रहा है, बट हियर लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन ऑल्सो एक्ट। तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स, देखो इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, देखना समझना मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल में बनाता हूं, देखो इधर इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूल बनाया बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपका लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है, H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ये लोन पेयर है, ये H2O, ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये एक दूसरे को तो रिपल करेंगे, तो ये क्या हो गया, रिपल्शन करने के बाद बॉन्ड पेयर के पास जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर को भी क्या करेंगे बेटा, इसको भी रिपल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपका कम होता है, तो ये आपका क्लोज आपका आ जाएगा। इसी तरीके से NH3 में एक लोन पेयर ऊपर होता है, तीन हाइड्रोजन, ये इस पर एक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर को क्या, बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन देखो जितना नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो देख सकते हो यहां पर दो नंबर ऑफ लोन पेयर है, यहां पर एक नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, वन लोन पेयर कैन डिक्रीज बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल बाय 2.5 डिग्री, मतलब एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री तक आपका बॉन्ड एंगल कम होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से और काफी इजीली समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूं। यहां पर देख लेते हैं, देखो CH4 NH3 H2O, ठीक है H2O, इसमें आपको बॉन्ड एंगल बताना है। अब कैसे बताओगे बच्चों, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको इसके अंदर बताना है। अब अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप लोग समझ सकते हो कि CH4 के स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का आपका क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। NH3 के स्ट्रक्चर में देखो एक लोन पेयर है, और H2O के स्ट्रक्चर में आपका दो लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब आपका लोन पेयर बढ़ेगा। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। तो किस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, CH4 में, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर VACPR थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड एंगल का आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। तो VACPR थ्योरी में बॉन्ड एंगल का आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। अब इसमें खास बात समझना कि यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन दोनों क्या है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, सेम है। थोड़ा सा इस चीज को समझो, हाइब्रिडाइजेशन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, सेम है। तो इस तरीके से हम यहां पर बॉन्ड एंगल का आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं, काफी इजी है, एक दो बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते बच्चों यहां पर नेक्स्ट अब हम देखते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कैसे बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बच्चों, यहां पर मैंने किस टाइप का एग्जांपल लिया और वहां और अभी मैं किस टाइप का एग्जांपल लूंगा, दोनों को थोड़ा सा समझने की बात कर कोशिश करना, क्योंकि दोनों का एग्जांपल आपका काफी काफी अलग अलग होगा, तो दोनों एग्जांपल को एक दो बार समझने की कोशिश करना। अब देखो यहां पर अगला सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपके बॉन्ड एंगल आपका उतना ज्यादा होगा। अब देखो कि कैसे होगा, समझना ध्यान से, उतना कम हाँ उतना मैक्सिमम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं, ऑक्सीजन लिया हाइड्रोजन लिया। अब इसमें भी दो लोन पेयर है, हर मॉलिक्यूल में दो दो लोन पेयर है। देखो ये मैंने सल्फर लिया, हाइड्रोजन लिया, इसमें भी आपके दो लोन पेयर है। अब देखो दोनों में दो दो लोन पेयर है, तो हम VACPR थ्योरी के हिसाब से तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते इसको, हम VACPR थ्योरी के हिसाब से हम इसको बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम क्या करें जो यहां पर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, VACPR थ्योरी हम नहीं लगाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, दोनों एटम टर्मिनल एटम दोनों सिमिलर है, तो क्या होगा कि इसकी देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा है सल्फर से, तो क्या होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या कर लेगा बच्चों, अपने पास बुला लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपके यहां नहीं जाएंगे, कॉर्नर तक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दूर रहेगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरीके से रहेगा। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके क्लोज हो गए, अब जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोज हो गए तो इन दोनों में ये आपका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब देखो यहां पर बात को समझना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपकी ज्यादा क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट होगा बच्चों, रिपल्शन होने की वजह से ये अपने बॉन्ड एंगल को जैसे इसका थीटा बॉन्ड एंगल है थीटा H2O, ठीक है, यहां पर रिपल्शन होगा। अब यहां पर क्या है कि ये ज्यादा क्लोज नहीं आए,
देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली में क्या बच्चों, बॉन्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ठीक है, एलिमेंट विच हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हैविंग द वैल्यू ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, वो अपनी तरफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ज्यादा ये होने की वजह से ज्यादा पास जाएगा, यहां पर ज्यादा पास नहीं जाएगा, तो यहां पर आपका बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्ड पेयर का जो क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उतना क्लोज नहीं आया, वो आपका डिस्टेंस पे, तो यहां पर जो थीटा होगा वो थीटा H2S आप देख सकते हो ज्यादा क्लोज भी है तो रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, यहां पर रिपल्सिव फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स H2O में ज्यादा होने की वजह से यहां पर आपका बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू H2S। समझ में आया, समझ में आया, काफी इजी है, एक दो बार कोशिश करोगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, तो यहां पर मैं बात करता हूं, देखते हैं, यहां पर मैं बात करता हूं कि देखो NH3 PH3 ASH3, अब इन तीनों में बताना है। अब जैसा आप जानते हो कि NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा और सिमिलर आपका PH3 भी आप कुछ ऐसा ही बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, और ये भी आप ऐसे बनाओगे। 90 डिग्री तो छोड़ो, 90 डिग्री वाला मैंने आपको ड्रैगो रूल बताया था वो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया जाए तो सिंपली बनाओ, ठीक है। अब क्या होगा कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके यहां चले जाएंगे इसकी वजह से, और इसकी वजह से थोड़ा सा दूर रहेगा, और इसकी वजह से बहुत दूर रहेगा बाकियों से। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका क्लोज आ जाएगा तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ गया बेटा, एटम पे क्लोज आ गया, अब क्लोज आ गया तो एक दूसरे को क्या करेगा, हाईली रिपल करेगा, हाईली मतलब बहुत ज्यादा रिपल्शन एक्ट करेगा। अब जब यहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन आपका एक्ट होगा तो क्या होगा, समझना, तो क्या होगा बच्चों, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर आपके क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड पेयर आपके एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब जब आपके बॉन्ड पेयर यहां पर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्सेनिक, तो बॉन्ड एंगल इन NH3 इज हायर देन बॉन्ड एंगल इन PH3 एंड बॉन्ड एंगल इन ASH3। वैसे मैंने बता दिया है कि यहां पर जनरली अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होता है ड्रेगो रूल से, लेकिन हम यहां से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आपको 101% समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको बॉन्ड एंगल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, हैंस वी कैन से दैट बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये मैं बोल सकता हूं, मैंने बोल दिया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यहां तक तो आप लोग इजीली बोल सकते हो इस कंसेप्ट को, ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इतना सारी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आगे की ओर समझते बच्चों, आगे का कंसेप्ट क्या है बच्चों हमारा, देख लेते हैं, आगे का कंसेप्ट समझना ध्यान से, आगे का कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझते बच्चों, आगे का कंसेप्ट क्या है हमारा, देखो आगे एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते बच्चों, एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते, फिर मैं और भी बताऊंगा इसमें पॉइंट। अभी तक हमने दो पॉइंट पढ़े, दो पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज करना है, दो पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है,
कोशिश करना है, और यही क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार अपने मुंह से बोल बोल के देखो क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद हम लोग नए नए क्वेश्चन को ढूंढते हैं। नए क्वेश्चन को ढूंढने की बजाय शुरुआत में आप लोग है ना उसी क्वेश्चन को 1-2 बार करो, ताकि आपको मेथड मेमोराइज हो जाए। अगर आपको, जब आपको मेथड मेमोराइज हो गए तो आपको अपने आप नए क्वेश्चन को आप लोग डील कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग थ्योरी पढ़ लिया, नए क्वेश्चन की ओर मतलब भागे। अब जब नए क्वेश्चन की ओर भागे तो आपको लगता है कि थ्योरी आपको तो याद नहीं है। जब आपको थ्योरी याद नहीं है तो हाउ कैन यू डील विद केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री से कैसे डील कर सकते हो। आपको थ्योरी याद करने के लिए एक बार मैं जो एग्जाम्पल कराता हूं उसको करना चाहिए, ठीक है। एक बार उसको रिपीट 100% हर क्लास में करना चाहिए। तो देखते बच्चों, अब हम यहां पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि कैसे निकालेंगे। तो देखो, मैंने 2 मेथड बताया अभी तक दोनों के हिसाब से। देखो, Cl2 - Cl3 - Cl4 - अब सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, तब आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितना हो गया, 5 क्लोरीन में 7 + 2 × 6 + 1। यहां से मुझे स्ट्रक्चर निकालना है, मैं स्ट्रक्चर निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। 12 + 8 = 20 आ गया। तो TVE इक्वल टू कितना आ जाएगा, TVE इक्वल टू डिवाइड बाय 8, तो 20 मतलब 4 2 2 + 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 लोन पेयर 2 बोन पेयर। ये मैंने बना दिया, मतलब CLO का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ऐसा 2 लोन पेयर यहां पर बना दिए। अब इसमें देखो, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा, देखते हैं। आपका 6 ज्यादा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब यहां पर डिवाइड बाय 8 कर दो, तो 26 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा बच्चों, इसके लिए निकालो, ठीक है। 26 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा बच्चों, समझो, 26 डिवाइड बाय 8 आपका यहां पर 3 आपका डिवाइडेंट, ठीक है। अब बचा कैसा, मतलब 3 से आपका डिविजिबल है। अब यहां पर आपके 8 3 हाँ, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 को 2 से, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करना है, तो 3 + 1 3 क्या हो गया बच्चों, आपका बोन पेयर, और ये क्या हो गया बच्चों, आपका लोन पेयर। एक तो ये, तो यहां पर 1 लोन पेयर है, मतलब 1 लोन पेयर बना दिया। देखो, ये मैंने 1 लोन पेयर बना दिया, 1 ओपे यहां पर 1 - चार्ज है, तो 1 ओपे सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब यहां पर आप बताओ, यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 26 + 6 कितना हो, 32। तो यहां पर आपका 32 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 32 डिवाइडेड बाई 8। आप अपने तरीके से निकालो, मैंने अपने तरीके से निकाला, आप अपने तरीके से निकालो, ठीक है। यहां पर 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब चारों के चारों क्या है बच्चों, बोन पेयर, और लोन पेयर क्या है बच्चों, 0। अब यहां पर आपका लोन पेयर 0 है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। स्ट्रक्चर हर बार बनाया करो बच्चों, तो मैंने स्ट्रक्चर इसका बना दिया। अब देखो, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 होगा, इसमें भी sp3 होगा, और इसका भी क्या होगा, sp3 का मतलब सब आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री वाला होगा। अब बात क्या है कि मैंने आपको अभी भी पहला कंसेप्ट बताया था, व्हेन नंबर ऑफ लोन पेयर विल इंक्रीज बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज, ठीक है। लोन पेयर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड पेयर डिक्रीज होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि Cl2- में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। Cl3- में कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। Cl4- में कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि लोन पेयर किसमें कम है, इसमें कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, देन आफ्टर Cl3- देन आफ्टर Cl2-। तो इस तरीके से हम यहां पर बॉन्ड एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको, आप लोगों को बॉन्ड एंगल के कितने मेजरमेंट बताए बच्चों, दो टाइप के, कौन कौन से। एक आपको बच्चों मैंने आपको क्या बताया, एक आपको मैंने बताया यहां पर VSEPR थ्योरी,
और एक मैंने आपको क्या बताया, VACPR थ्योरी, एक सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। वो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक बार रिवाइज करना है, दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक दो बार आप दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, देन आफ्टर दो पॉइंट, दो और तीन पॉइंट और है जो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से लूंगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, किस तरीके से मैं डील कर रहा हूं, किस तरीके से नहीं कर रहा हूं। सो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और मैं ओवरलैपिंग पे आज मैं आपको डीपीपी भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस डीपीपी को सोल्व करना और डाउट पूछना। सो आज के लिए बच्चों केवल बस इतना ही काफी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।